रामनवमी के मौके पर गुरुवार को श्रीराम बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा विशाल शोभा यात्रा नगर निगम परिसर से निकाली गई। श्रीराम बजरंग सेना मेवाड़ के संस्थापक गजेंद्र आचार्य ने बताया कि इस शोभा यात्रा में विभिन्न अखाड़ों के पहलवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। शोभा यात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी रही। केसरिया साफा पहनकर महिलाओं ने श्रीराम के भजनों पर नृत्य किया। दिन में करीब 1 बजे निकली शोभा यात्रा बापू बाजार, सुरजपोल, मार्शल चौराहा, मंडी किनाल, दहली गेट होते हुए फिर से नगर निगम पहुंची। शोभा यात्रा में श्रीराम हनुमान जी की झांकी अभी चल रही थी। इस शोभा यात्रा में उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों से भी लोग मौजूद रहे। इस बार भी श्रीराम सेना और श्रीराम भजन सेना के संयुक्त तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के उपलक्ष्य में, जो दोपहर 12:15 बजे स्थानीय टाउन हॉल प्रांगण से प्रारंभ होकर बाबू बाजार, सूरजपोल, अस्सल मंदिर, मंडी, दिल्ली गेट, कोर्ट चौराया, सासी सकल, शक्तिनगर होते हुए पुनः टाउन हॉल प्रांगण पहुंची, जहां भोजन प्रसाद के साथ ही आयोजन का समापन किया गया। इस आयोजन के दौरान संगठन के पहलवानों द्वारा हैरतअंगेज करतब दिखाए गए, साथ ही प्रभु श्री राम के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां सम्मिलित रही और इस आयोजन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जय श्री राम, जय भारत।